आज हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी यही मुतालिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग आपको ये वीडियो लगेगी बाकी मेरे तमाम वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इसमें इस वीडियो में हमारे पास ये देखिए आपके सामने, ठीक है, एक छोटी सी काइट है ग्रीन कलर की, और इसी तरह आपके पास ये पीपल पार्टी जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उसकी बनी हुई, उसके फ्लैग के बने हुए पता नहीं हमारे पास ये आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे पास बने हुए पता नहीं पीपल्स पार्टी के झंडे। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और, ये भी आपके सामने ये भी पीपल्स पार्टी की बनी हुई झंडे के मुताबिक बनी हुई है हमारे पास पतंग है, ये काइट है, ये आप लोग के सामने ये देखें, ये आपके सामने दोनों पीपल्स पार्टी की फ्लैग के मुताबिक बनी हुई काइट। हमारे पास एक और ग्रीन काइट है जो कि पी एन एल एन को रिप्रेजेंट करती है, यानी पी एन एल एन का फ्लैग जो है वो ग्रीन है और उसमें शेर का निशान है, तो ये पी एन एल एन को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और छोटी काइट जो थी वो इसी को, और ये जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है ये गाइड, ये आप लोग के सामने, ठीक है। ये तीनों पार्टीज़ के जो है फ्लैग की गाइड्स हैं, और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास ये जो तीन गाइड्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हमारी तीन काइट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बाद में ये जो हमारे पास काइट्स हैं ये वाली, ये काइट और ये काइट, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे और बताऊंगा आपको कि क्यों किस तरीके से और क्या है। तो इन दोनों काइट्स को भी मैं साइड कर देता हूँ, ये मैंने इनको साइड कर दिया। अब ये जो तीनों गाइड्स हैं मेरे सामने, आप लोगों के सामने ये रहती हैं, आपके सामने मौजूद है ये तीनों गाइड्स, अगर आप देखें तो इसमें गाइड्स में ये जो दोनों गाइड्स हैं इनका साइज तकरीबन बराबर है, देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है ये दोनों गाइड्स ये आपके सामने। जबकि इनके मुकाबले में अगर हम बात करें इस काइट की, पी टी आई वाले काइट की, तो ये काइट है इसके मुकाबले में वो इससे, इनसे देखें यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी है, इससे भी बड़ी है और इसी तरीके से इससे भी बड़ी है। तो ये जो काइट्स हैं, ये तीनों काइट्स हैं, ये इन तीनों पार्टियों की पॉपुलैरिटी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं 2018 के इलेक्शन में, या 2018 की कैंपेन जो इन्होंने चलाई थी उसके दौरान इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी वोटिंग और इनकी है लोगों में जो चाहा जाना है, या हम उसको कहते हैं कि लोग इनकी तरफ कितने अरकान जो है वो इनको चाह रहे थे। तो इस तरीके से मेरे मुताबिक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ किस अंदाज से था कि पी एम एल एन आपके पास जो है वो और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जो हैं ये तकरीबन बराबर स्नैरियो पर थी, बिल्कुल बराबर, इसलिए मैंने इन दोनों काइट्स को जो है बराबर बनाया, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने ये बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है इनमें साइज में, ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल बराबर दोनों काइट्स। जबकि इनके मुकाबले में ये जो पी टी आई की काइट है, पी टी आई फ्लैग की काइट है, ये पी टी आई के जो तहरीके इंसाफ है उसको रिप्रेजेंट करने वाली काइट है, इसका साइज इनके मुकाबले में बड़ा है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं ये इनके मुकाबले में बड़ा है। और उस वक्त 2018 के कैंपेन के दौरान, इलेक्शंस के दौरान में पी टी आई को लोग इनके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, मान रहे थे। अब हम बात कर रहे थे इनकी अलग अलग डिटेल्स के साथ। अब ये जो काइट है जो कि रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर ये देखें ये आपके सामने इसकी लचक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी ये क्या कर रही थी, ये किसी भी जमात के साथ मिलकर
अपनी हुकूमत बनाना चाह रही थी। और ये जो इसका है बिल्कुल सेंटर वाला इसका जो ये है स्टिक, ये इसकी काफ़ी हार्ड है, ये देखें ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये जो है ये इसका जो है पंजाब पर या अपर पंजाब पर जो है यानी कि होल्ड है, जो कि इसका काफ़ी इसको इसकी बैक को मजबूत करता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है पंजाब में समझी जाती थी। ये देखिए इसका इतना हार्ड है इसका बैक, और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती थी कि ये किसी भी कंपनी जो है पार्टी के साथ मिलकर हर हाल में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखती है। और इनके पास जो है ये देखें आपके पास इनका पेपर, जो मैंने पेपर लगाया ये पेपर भी मजबूत है, यानी कि इनमें जो है यूनिटी थी और जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, और ये हर हाल में कोशिश करते थे कि किसी ना किसी के साथ मिलकर किसी भी सिनेरियो में किसी भी हाल में हम जो है बनाएं अपनी हुकूमत किसी भी पार्टी के साथ मिलकर। तो ये तो था 2018 के मुताबिक TML एंड मेरे मुताबिक, यानी 2018 में TML का सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि उसमें फ्लैक्सीबिलिटी की वजह से वो किसी भी जमात के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखती थी, और बैक जो है उसकी ये जो बैक है उसका ये वाला पूरा हिस्सा ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें बाकी के मुकाबले में अभी आपको पता चलेगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी बैक, यानी कि इसका पंजाब पे होल्ड समझा जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो है इस फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये तो थी 2018 की पॉलिसी या जो है जजमेंट मेरी TML के मुताबिक। अब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। ये जो पीपल्स पार्टी है अगर आप देखें तो इसकी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो ये हिस्सा इसको मैंने ब्लैक बनाया, और ये ब्लैक हिस्सा जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये ब्लैक हिस्सा शो कर रहा है जरदारी को। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब जो है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, ये उनको रिप्रेजेंट करता है ये ब्लैक। अगर मुझे बेनज़ीर साहिबा को या जो है भुट्टो की रिप्रेजेंटेशन करनी होती, भुट्टो थीम को रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर नीचे ब्लैक पेपर ना लगाता। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं यूज़ करता रेड पेपर। रेड पेपर इज़ अ साइन कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और उनकी सारी फैमिली में। लेकिन ये जो ब्लैक पेपर है ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अब PPP को जो है वो चेयरपर्सन हैं जो वो आपके जरदारी साहब, तो वो स्याह एक स्पॉट है, स्याह एक जो है हिस्सा है पीपल्स पार्टी के जो पूरा सिनेरियो है, पूरी उसकी पार्टी जो कल्चर है। और इसमें अगर आप देखें तो ये आपके सामने इसको अगर हम देखते हैं फ्रॉम द बैक, देखें ये एक तरफ इसका झुकाव हमेशा से है, ये देखें यहाँ से अगर आप देखें इस जगह से तो इस जगह से इसका झुकाव आपको फील होगा, ये देखें यहाँ से ये, और ये झुकाव हमेशा जो है इस जगह पर ये ग्रीन के पास है। ग्रीन मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब वैसे तो पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पाकिस्तान की आवाम की तरफ हमेशा से इनका झुकाव रहा है कि आवाम की पार्टी मानी जाती थी ये सिंध में 2018 तक, क्योंकि बीबी के जो है बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और भुट्टो फैमिली को जो है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बहुत ही मोतबर समझते हैं, तो इसलिए हमेशा से इनका झुकाव ये रहते हैं यहाँ पर इस जगह पर आता है। जब भी मैं बैंड करूँगा इसको ये देखें ये फिर इस जगह पर इसका बैंड हो रही है, तो उनका झुकाव हमेशा से ही रहा है और जो है ये इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी पैक की, ये देखेंगे बहुत ही मजबूत इसकी है कि इन्होंने अपने जो क्राइटेरिया थे जो अपनी पार्टी रूल्स थे उनको बहुत ही स्टेबल रखा हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो के रूल्स के मुताबिक। अब फिर 2018-2013 जब ये जरदारी साहब ने जो है बेनज़ीर भुट्टो साहब की डेथ के बाद टेक ओवर किया था पार्टी को, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई थी, तो ये 2013 में, और जो है इसकी बैक जो है वो उतनी मजबूत नहीं है अगर आप देखें, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई झुकाव नहीं आता। अगर मैं इसको बैंड करता हूँ ये देखें इस यहाँ से यहाँ तक कोई झुकाव नहीं आ रहा, सिर्फ झुकाव इस जगह पे। ठीक है, तो इनका होल्ड रहा थ्रू आउट जो है पाकिस्तान के जो एक सूबा है सिंध का, सूबा सिंध पर इनका होल्ड रहा, और उसके अलावा ये जो है सरहद में और बलोचिस्तान में भी इनका थोड़ा सा टच रहा, जबकि पंजाब में
क्योंकि थोड़े कमज़ोर रहे हैं शुरू से पिया नारायण की वजह से। पिया नारायण जो है वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाती थी, जैसे कि मैंने उसके बताया कि बैकबोन बहुत हार्ड है। तो ये पीपल्स पार्टी और ये जो है ये उसको जरवाली साहब की रिप्रेजेंटेशन, और ये जो है ये पुराना थीम था, पुराना जो पाकिस्तान था उसका पीपल्स पार्टी, क्योंकि उस वक्त तक जो है नया पाकिस्तान नहीं बना था, यानी कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आई थी, तो इसलिए पुराने पाकिस्तान के थीम पर ये पुराने ही पैटर्न पर बना हुआ पीपल्स पार्टी का फ्लैग के मुताबिक ये कार्ड है, जिसमें ये सारे चीज़ें मुझे आपको डिस्कस किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीटीआई की। पीटीआई जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगरचे इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो उन दोनों जमातों से ज़्यादा थी, ठीक है, 2018 के दौरान में इसकी पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी और पीएनआरएल दोनों से ही ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें कई लूप होल्स थे, जैसे कि मैं आपको अब यहाँ से समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल इसलिए कि इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं थे, कोई ऐसा जो है इनके पास नया पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसी इनके पास पॉलिसी नहीं थी जिस पर लोग इनको फॉलो करते। तो ये जो है बहुत ही फ्लैक्सीबल पार्टी थी कि कहीं से भी किसी भी जगह से इन्होंने जो लिए थे कंटेंडर्स, जो दूसरी जमातें छोड़ कर आए थे, ये उनके साथ मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई और कई जगह पर जो है उन लोगों को जिन्हें आजकल के जो है वो क्या कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग या लोटाक्रेसी कह रहे हैं, जो आजकल के टीवी पर चलने वाले अल्फाज हैं, उन लोटों को, उन लोगों को जो कि वो जमातें जो है वो छोड़ कर दूसरी जमातों से यहाँ पर आए थे पॉलिटिकली, तो उनको लेकर इन्होंने जो है स्टेप उठाया और जो है इलेक्शन लड़ा। इसलिए जो है इनकी ये जो कर इनकी जो कीला है वो बहुत ही कमज़ोर था, यानी फ्लैक्सीबल था, और ये किसी के साथ भी मिलकर कुछ भी यानी कि किसी भी सिनेरियो में। और ये जो है अब इसकी सेंट्रल ये जो कीला है, इस कीले की बात करते हैं, ये जो सेंटर है ये भी अगर हम देखें इनका, तो ये बहुत ही ये देखें बहुत ही हल्का सा, बहुत फ्लैक्सीबल और हल्का सा। उसकी वजह ये है कि ये जो है इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उस वक्त तक। हाँ, ये ज़रूर था कि इनकी हुकूमत केपीके में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पर इनकी हुकूमत थी, और वहाँ के लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 2012-13 के इलेक्शंस के बाद 2018 में भी वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी डाउन नहीं हुई। इसी वजह से मैंने इस जो कार्ड है इसका साइज़ जो है वो मैंने दूसरी कार्ड के मुकाबले में बड़ा बनाया, कि पीटीआई जो है वो 2018 की कैंपेन के दौरान केपीके में सबसे डोमिनेंट पार्टी थी, उसके अलावा ये पंजाब में जो है इनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, और ये पीएनआरएन को टक्कर देने वाली जमात मानी जा रही थी पंजाब में, जबकि पहले माना जाता था कि कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो पीएनआरएन के साथ जो है वो टक्कर दे सके पंजाब में। तो इन्होंने जो है ये इसीलिए जो है इसको मैंने पॉपुलैरिटी वाइज थोड़ा इसको इसकी शीट के साइज़ को बड़ा रखा है पीएनआरएन या पीटीआई पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, ये आपके सामने है। लेकिन उस वक्त जब ये 2018 के कैंपेन चला रहे थे उस दौरान में इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है ना रूल्स थे, ना इनके जो है स्ट्रॉन्ग कोई टीम वर्क था, ना इनकी कोई पॉलिसी थी, बस ये था कि नया पाकिस्तान बनाना, और पुराने जो डिप्लोमेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं जो कि थ्रू आउट यानी कि उनकी ये जनरेशन बाय जनरेशन उनकी रूलिंग आ रही है, तो उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए लोगों में ये पॉपुलर हुए और इनका ये साइज़ बड़ा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इन्होंने दूसरी जमातों से आने वाले पॉलिटिशियंस को अपने साथ शामिल किया, तो इसलिए इनमें कोई फ्लैक्सीबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि किसी भी तरीके से किसी भी जमात को मिलाकर ये जो है रूल करना चाहते थे। पॉपुलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है ये इनका जो है एरिया जो है ये इसके पेपर का साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। इसमें जो है ये रेड कलर जो है नीचे जो मैंने लगाया है यहाँ पर, ये वाला रेड कलर, ये जो हम जिसको हम गुड्डे की जबान में यानी पतंगों की जबान में पान कहते हैं, ये रेड कलर इसलिए लगाया क्योंकि इन लोगों में जब पीटीआई ने 2018 में कैंपेन शुरू की थी तो इनमें जोश बहुत ज़्यादा था, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ ये तरक्की करना चाहते थे, इनके पास प्लान कोई नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये रेड साइन जो है इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये नए अचीवमेंट्स हासिल करना है की कोशिश में थे कि नए जो है गोल्स अचीव किए जाएँ, ये जो पोर्शन है रेड वाला,
लेकिन नए गोल्स अचीव करने के लिए इनकी जो रूल्स थे या रेगुलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा लूज थे, ये रहते हैं जाते आपके सामने। तो इसी वजह से जो है ये पॉपुलर तो हुई, लेकिन जो है उसके साथ साथ जब जो है और इनने कई भी कई जगहों पे इनको बहुत ही टफ कंपटीशन मिला पी एन एल एन और सिम में, खासतौर पर पी टी टी के मुकाबले में। अभी हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि पी टी आई जो है वो सिम में बिल्कुल अभी उसको काम करना है और कुछ भी नहीं। तो ये यहाँ पर देखेंगे आपके पास 2018 का स्नैरियो पी टी आई, ठीक है, फ्लैक्सीबल वीक बैक बट मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद आ जाती है पीपल्स पार्टी विद जरदारी लीडरशिप, ठीक है, जरदारी साहब की लीडरशिप में जो है डार्क एरिया इनका स्टार्ट हुआ और इनकी पॉलिसियाँ जो है वो शुरू से ही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा की तरफ से गाइडेड थी, तो इसलिए ये काफ़ी मजबूत रहेंगे। लेकिन आपके सामने उनके अंदर कोई ऐसा ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है उसके मुकाबले में, ये बहुत ही मेच्योर पार्टी रही है, ठीक है। ये आपके सामने इनके हमेशा से ये स्लोगन है रोटी कपड़ा और मकान आवाम को, जो उनके हमेशा से अपीलिंग रहा है। उसके बाद आ जाती है बात पी एम एल एन की। पी एम एल एन जो है ये देखें इसकी बैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, बैक इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त 2018 में पंजाब पर चूँकि इनका होल्ड था, जबकि इनकी जो रूल्स थे उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लैक्सीबिलिटी पाई जा रही थी, क्योंकि ये जो है ये किसी भी पार्टी के साथ मिलकर किसी भी हाल में अपने आप को जो है वो रूलिंग पार्टी के तौर पर गवर्न करना चाहते थे पंजाब पर पाकिस्तान पर। तो ये था इनका सिनेरियो। और इस दौरान में इनका जो है बहुत ज़्यादा आपस में स्पीचेस के दौरान कॉम्पिटिशन रहा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है अच्छा बुरा कहा और हत्या के दूसरे को जेल ले जाने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए और आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिलवाने के लिए इन तमाम पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है स्पीचेस में ये दावे किए, लेकिन वो दावे काफ़ी हद तक पूरे नहीं हो सके और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दावे जस्ट जो है पॉलिटिकल एक स्लोगन कह लें या एक पॉलिटिकल ट्रिक के अलावा कुछ भी नहीं थे। ये जो है ये आपके सामने 2018 में ये जो है ये तरीक़ाकार था। ये मेरे मुताबिक जो है ये तीनों पार्टीज़ का जो सिनेरियो था वो सारा यही था 2018 में।